चाह रहे थे कि भाई वीजा हमारा कितने दिन में आ जाएगा, हमने अभी ट्राई दी। हाँ जी प्रधान जी, कहता सारे वधिया ने, चढ़ती कला ही रहनी चाहिए। अपने भाई एक्सप्लोर तंकू चैनल से, ते भाई फिर ते भाई हमने फिर से आज आ चुके हैं ड्यूटी, और यहाँ पे काम मिला है हमें लोडिंग का, और हम कर रहे हैं निसाब जो लोडिंग, और यहाँ पे भाई लगे हुए हैं 3 लोडर, 1, 2 और तीसरा है जो भाई उस साइड लगा हुआ है अंदर को, तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आपको 2 लोडर ही दिखाई दे रहे होंगे ना। तो ये देखो भाई, और ये इन्होंने बकेट भर के रखी हुई है, तो ये गाड़ियाँ आ रही हैं, और इन ये भाई गाड़ियाँ जो है वो जा रही हैं उधर, जो आपको खड्डा बताया पिछले ब्लॉग में, उधर जा रही हैं गाड़ियाँ, तो वहाँ से जल्दी जल्दी आ रही हैं ये, है ना। कम से कम भी भाई आज गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं, कम से कम भी भाई 15-16 गाड़ी है, और भाई रेस्ट तो 4 लोडर लगे हुए हैं भाई, और 4 चौके 16, तो 4-4 गाड़ियाँ सबको दी हुई है। तो भाई अभी तो थोड़ी सी रेस्ट मिली है, और देखो भाई गाड़ियाँ 2-2 इकट्ठी गाड़ियाँ आ रही हैं भाई भरने के लिए। तो देखो भाई कुछ ऐसा सीन हो रहा है यहाँ पे, और बाल का बाहर से निकल के आपको बता दूँ व्यू थोड़ा सा, तो ये रहा भाई व्यू, और यहाँ पे देखो भाई ये सारा भाई मतलब टिब्बा था, और यहाँ से सभी भी मिट्टी जो है उठा ली हमने, तो अभी भी भाई उठा रहे हैं, और ये देखो भाई आ गई हैं गाड़ियाँ लोडिंग के लिए, तो आपके भाई को करना पड़ेगा अभी लोड। भाई आ चुके हैं हम फिर से कैबिन के अंदर, और गाड़ी भाई वहाँ पे लगनी है, वहाँ पे लग जाएगी गाड़ी, और आपका भाई करेगा लोडिंग। और बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई हमारा जो वीज़ा है कितने दिन में आ जाता है ना कुवैत का कंपनियों का, तो वही प्रोसीजर आज आपको बताऊंगा क्या प्रोसेस होता है और कितना टाइम लग जाता है ना। तो अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो भाई गाड़ी है जो वो लग चुकी है अभी, तो भाई इससे पहले आप लोडिंग कर लेते हैं, और इसको भाई हॉर्न मार दिया कि भाई रोक दे, तो अभी करते हैं लोडिंग, तो और उसके बाद देखते हैं भाई। और देखो उधर भी लोडर कर रहा है ना लोडिंग, जो गाड़ी है सभी सभी कर रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लोड, तो आपका भाई भी कर रहा है लोड, है ना। तो भाई गाड़ी हमारी जो है वो लोडिंग हो चुकी है, तो इसको भेज देते हैं भाई हॉर्न मार के। और आपको एक और बात बताऊँ कि भाई डीजल वाला भी आ चुका है, और ये रहा भाई डीजल का टैंकर, तो देखते हैं आज कितने लीटर डीजल डालते हैं, ये टैंकी फुल ही करते हैं भाई। और भाई इनको सबसे पहले भाई किलोमीटर की फोटो सेंड कर देता हूँ सबसे पहले, क्योंकि भाई ये जो सब काम होता है किलोमीटर पे होता है डिपेंड, है ना कि कितने किलोमीटर पे डीजल डाल रहे हैं, ये सारा इनका रिकॉर्ड जो है चेक होता है ऑफिस में जाके। तो ये रहा भाई का नंबर, और यहाँ से फोटो, तो ये कर दी भाई मैंने व्हाट्सएप पे सेंड इनकी फोटो, क्योंकि भाई ऐसा ही होता है जब किलोमीटर की इनको फोटो सेंड कर देते हैं, तो ये अपने आप वहाँ पे भर देते हैं, और सबूत तौर पे फोटो रख लेते हैं कि भाई आज इतना डीजल इस गाड़ी में डाला। और तो चलते हैं भाई नीचे, और आपको दिखाते हैं नीचे कैसे डीजल डालते हैं ये, और अकेला बंदा है बेचारा जो डीजल डालता है। तो ये रहा आपके भाई का लोडर, पुराना है लेकिन भाई एसी बहुत काम करता है इसका। सलाम वालेकुम जैन, ये डाल रहे हैं भाई डीजल, और यहाँ पे भाई चली हुई है कितने लीटर डीजल डाल रहे हैं ना, अभी 68 हो गया, 69 हो गया, तो भाई इस प्रकार से लगाया हुआ होता है इन्होंने जगाड़। तो ये रहा डीजल टैंकर, यहाँ पे डाल रहे हैं, तो भाई डीजल की टैंकी हमारी हो चुकी है फुल। भाई ये भाई का ट्रक जो आ गया है लोडिंग और तेल डलवाने के लिए, ये भी, और
वो बैठे हुए हैं बीच में, जूम करके बताऊं भाई आपको, वो बैठे हुए हैं। और चलते हैं भाई लोडर करते हैं आगे। तो भाई जो लोडर में डीजल डला वो 150 के करीब डल गया भाई, और उसके बाद अभी आपका भाई फिर से आ गया है लोडिंग के लिए। तो एसी भाई पूरा चिल कर रहा है इस वक्त, पूरा ठंडा कर रहा है, और भाई एक नंबर पे छोड़ा हुआ है, तो ऐसे होता है। और भाई यहाँ पे सर्विस वगैरह का पूरी आपको इन्फॉर्मेशन रहती है, कितने फिल्टर डाल गए डीजल के, और एयर फिल्टर कितने डाले गए, उसके बाद सारा कुछ भाई यहाँ पे डिटेल रहती है, ठीक है। तो ये है, और नेक्स्ट सर्विस कितने किलोमीटर पे होगी वो भी लिखा होता है ना, तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी होती है। और आपने करना क्या होता है, जब सर्विस का टाइम होता है तो 30 घंटे पहले आपने जो है सर्विस को डाल देने किलोमीटर की, भाई हमारे लोडर की सर्विस आ गई है, अभी 30 किलोमीटर रह गए बस, उसके बाद सर्विस होनी है। तो सर्विस वाले आ जाते हैं सर्विस करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो भाई हमारा डीजल भी फुल हो चुका है, और अभी भाई यहाँ पे ये है भाई 2 लीवर का कमाल, जो भी है स्टेयरिंग जो भी लोडर का कमाल है, ये 2 स्टेयरिंग 2 लीवर ही है भाई इसके, ठीक है। तो अभी ये गाड़ियाँ आ रही है, तो डीजल ये अभी डीजल भी डलवा रही हैं कुछ गाड़ियाँ, तो कुछ गाड़ियाँ अभी आ जाएंगी आपके भाई के लोडिंग करवाने के लिए। तो देखते हैं, और भाई आपको जैसे कि बताया कि मतलब वीज़ा कितने दिन में आ जाता है, तो भाई सबसे पहले देखो आपका ट्राई होती है इंडिया में, और ट्राई के बाद भाई आपको जो आता है 15-20 दिन और महीना भी लग जाता है ऑफर लेटर, ठीक है। ऑफर लेटर के बाद आपका होती है PCC, और उसके बाद कच्चा वीज़ा आता है आपको, ठीक है। तो भाई गाड़ी आ गई है, इसको पहले लोडिंग कर लें, उसके बाद भाई करते हैं बात। तो भाई बात कर रहे थे हम कि वीज़ा कितने दिन में आ जाता है ना, तो उसी टॉपिक में भाई सबसे पहले तो आपकी भाई देखो जैसे इंटरव्यू होती है ना इंडिया में, इंटरव्यू होने के बाद आपका आता है ऑफर लेटर, उसको लग जाते हैं भाई 20-30 दिन लग जाते हैं, एक महीना मान के चलो उसको। उसके बाद भाई आपकी होती है PCC, ठीक है। PCC होने के बाद भाई आपका जो यहाँ पे ऑफर लेटर होता है उसका आ जाता है आपको कच्चा वीज़ा। पक्का वीज़ा भी मैं आपको बताऊँगा कब होगा आपका पक्का वीज़ा, मतलब ठीक है। एक तो आपको नॉर्मली वीज़ा अप्लाई कर देती है कंपनी की, भाई आप ले लो ये, ठीक है। उसके बाद आपकी PCC होगी, PCC बोले तो भाई पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है जो, ठीक है। वो आपका जो पुलिस वाला है वो आपके घर में आता है, और जो भी है वो अपना करता है वेरिफिकेशन करता है। और किसी के हो तो भाई जैसे हम हिमाचल गए, हमें तो शिमला में ही भाई PCC हो जाती है। और उसके बाद भाई आपको बताऊं तो उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल, गम का मेडिकल। जब आपका गम का मेडिकल हो जाता है तो भाई उसके बाद आपका जो वीज़ा होता है और आपका पासपोर्ट और जो वीज़े की कॉपी होती है मेडिकल की जो होती है, फिर वो भाई उसके बाद वो होता है स्टंपिंग, जो कि मेन बात है स्टंपिंग, ठीक है। वो भाई दिल्ली में होता है, और जो आपका कच्चा वीज़ा बन के आता है वही पक्का वीज़ा हो जाता है भाई स्टंपिंग लगने के बाद, ठीक है। वो स्टंपिंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे भी आपने देखा होगा कि स्टंपिंग मतलब कितने हो जाता है ना, वो दिल्ली में ही होता है। और भाई जो यहाँ से कच्चा वीज़ा जाता है वो पोर्ट के जरिए जाता है, शिप के जरिए, ठीक है, आपको मिलता है। तो भाई उसमें टाइम लग जाता है, कम से कम भी भाई 3-4 महीने का प्रोसेस होता है ये कुवैत आने का, ठीक है। उससे पहले भाई आपका काम बहुत दिक्कत आती है, उसके पहले भाई कभी नहीं बनता उससे पहले, ठीक है। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, क्योंकि मेरे को बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई वीज़ा हमारा कितने दिन में आ जाएगा, हमने अभी ट्राई दी है और कितने दिन में लग जाएगा। तो भाई ऐसा होता है, क्योंकि भाई मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और जो मेरे यार दोस्त आए हुए हैं कुवैत उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो मैंने वो सोचा कि आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन आज दी जाए। और अभी आपका भाई कर रहा है लोडिंग, जो कि भाई बहुत, अभी तो आपका भाई फ्री है लेकिन भाई पहले बहुत काम था, गाड़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी भाई लोडिंग कर कर के, ठीक है। तो कैसी लगी भाई आज की इन्फॉर्मेशन, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो मेरे आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं भाई अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।